हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी एमएस एक्सेल का यूज़ कर रहे हो, चाहे कोई सा भी एमएस एक्सेल हो, और यहाँ पे आपकी एरो की काम नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं मेरा जो अभी कॉलम है, यानी जो मैंने कॉलम और सेल सिलेक्ट कर रखा है, वो अभी C5 पर है। तो हमारा C5 पर है, पर हम इसे मूव करना चाहते हैं D पर, तो हमारी पूरी की पूरी शीट आगे बढ़ जाती है, पर हमारा यहाँ पे जो सेल है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका क्या रीज़न है और ये कैसे ठीक होगा, आइए जानते हैं। आप देख सकते हैं अगर मैं इसे नीचे करूँगा तो शीट हमारी नीचे हो रही है, पर हमारा जो सेल है वो नीचे नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो इसे ठीक करने के लिए दो तरीके हैं। यहाँ पर आपको अपना एमएस एक्सेल ओपन कर रहना है, नीचे की साइड आपको दिखाई देता होगा ये बार ऑप्शन, तो आपको इस पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्क्रॉल लॉक, अगर इसको तो आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका मूवमेंट करने लग जाएगा। पर यहाँ पे ये मूवमेंट अभी भी नहीं हो रहा है क्योंकि कभी कभार ये तरीका काम नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको अपने कीबोर्ड से एक और की दबानी है, ये दूसरा स्टेप है। यहाँ पे आपको अपने कीबोर्ड से दबानी है स्क्रॉल लॉक, तो मेरे कीबोर्ड में स्क्रॉल लॉक नहीं है और कई कीबोर्ड में स्क्रॉल लॉक नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको विंडो की दबानी है, यहाँ पे आपको सर्च करना है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड सर्च करें, आपके पास ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको स्क्रॉल लॉक मिल जाएगा। तो SCRLK पे क्लिक करें और इसको मिनिमाइज कर दें फिलहाल के लिए, और चेक करें आपका जो कॉलम है और सेल है मूव हो रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं कि आराम से मूव हो रहा है। अब ये G10 पर आ चुका है, H11 पर आ चुका है और ये I12 पर आ चुका है। तो ऐसा भी इसे मूव कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं।